वेलकम टू द टिप्स एंड क्लिप्स इंग्लिश सीरीज। आई एम इमरान मिर्जा। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प टॉपिक पर है, इडियमेटिक फ्रेजेस। यस डियर स्टूडेंट्स, कोई भी शख्स अगर अच्छी इंग्लिश बोलना चाहता है तो वो अपनी लैंग्वेज में इडियमेटिक फ्रेजेस का इस्तेमाल करता है। इडियमेटिक फ्रेजेस ऐसे फ्रेजेस हैं जो लैंग्वेज को और भी ब्यूटीफाई बना देते हैं, लेकिन अमूमन ये भी देखा गया है कि बहुत सारे जो इडियमेटिक फ्रेजेस हैं हमारी सोसाइटी में वो रॉन्ग हैं, और ये इतने गलतुल आम हो चुके हैं कि अब तो हमारी नेचर का हिस्सा बन चुके हैं, और हम इन्हीं को साल हर साल इन्हीं इडियमेटिक फ्रेजेस को यूज़ करते हैं और हम समझते हैं कि ये बिल्कुल दुरुस्त हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इंग्लिश डिपार्टमेंट, हम ये एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन, इंग्लिश डिपार्टमेंट शो बाय अंग्रेजी। अब देखिए, कोई भी स्टूडेंट है वो अमूमन ये यही वर्ड यूज़ करता है, इडियमेटिक एक्सप्रेशन यूज़ करता है इंग्लिश डिपार्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल समवन सेज आई रीड इन इंग्लिश डिपार्टमेंट, तो ये रॉन्ग एक एक्सप्रेशन है, लेकिन इंतहाई गलतुल आम है और कॉमन है। इसी तरह से देखिए डियर स्टूडेंट्स, लेक्चरर ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का लेक्चरर, लेक्चरर ऑफ इंग्लिश। अब आप ये कहेंगे कि इसमें क्या गलत है, तो जनाब ये भी एक रॉन्ग इडियमेटिक एक्सप्रेशन है, लेक्चरर ऑफ इंग्लिश। इसी तरह देखिए, पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स कामयाबी के नंबरात, हम ये अमूमन कहते हैं कि आप ये पेपर जो अटेम्प्ट कर रहे हैं इसके पासिंग मार्क्स इतने हैं, ये रॉन्ग है, पासिंग मार्क्स रॉन्ग। इसी तरह देखिए, मैन ऑफ लेटर, हम कहते हैं आज किसी आलिम शख्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मैन ऑफ लेटर, मैन ऑफ लेटर भी रॉन्ग है। इंग्लिश प्रोफेसर, इंग्लिश प्रोफेसर अगर हम कहें तो ये भी एक रॉन्ग इडियमेटिक एक्सप्रेशन है। इसी तरह देखिए, राइट विद इंक, राइट विद इंक, रोशनाई से लिखना, यानी वो कहते हैं ना भाई स्याही से लिखें, स्याही से लिखें, ये पेपर आप नीली स्याही से लिखें, या ये पेपर आप ब्लैक इंक से लिखें। तो देखिए, राइट विद इंक एक रॉन्ग इडियमेटिक एक्सप्रेशन है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, हम डेली लाइफ में नशीब व फराज इस्तेमाल करते हैं, अप एंड डाउन, हम कहते हैं कि अहमद की ज़िंदगी में बहुत से अप एंड डाउन आए लेकिन उसने हिम्मत ना हारी, तो अप एंड डाउन जो है वो एक रॉन्ग इडियमेटिक एक्सप्रेशन है। इसी तरह देखिए, फैमिली मेम्बर, फैमिली मेम्बर, हम ये कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि आसिफ इज़ माई फैमिली मेम्बर, सो फैमिली मेम्बर भी एक रॉन्ग इडियमेटिक एक्सप्रेशन है। देखिए, ये कितने ही कॉमन इडियमेटिक एक्सप्रेशन है जो हम साल हर साल से बोलते चले आ रहे हैं, लेकिन ये रॉन्ग है। नेक्स्ट वन देखिए, टेक पेन, वो कहते हैं ना आपको पेन तो लेनी पड़ेगी, आपको अगर कामयाब होना है तो पेन तो लेनी पड़ेगी, तो पेन हम यूज़ करते हैं, टेक पेन इज़ अ रॉन्ग इडियमेटिक एक्सप्रेशन। सिमिलरली ऑन द ट्री, ऑन द ट्री, द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री, हम कहते हैं भाई कि वो दरख्त पर बैठा है परिंदा, तो और ये भी रॉन्ग है। तो अब हम ये देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये जो रॉन्ग इडियमेटिक एक्सप्रेशंस हैं इनके दुरुस्त क्या हैं। चलिए अब हम वन बाय वन इनको देखते हैं कि इंग्लिश डिपार्टमेंट जो एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन है वो रॉन्ग है, तो इसका दुरुस्त क्या है। इंग्लिश डिपार्टमेंट, याद रखिए, इंग्लिश डिपार्टमेंट नहीं बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। अगर एक स्टूडेंट कहता है आई रीड इन इंग्लिश डिपार्टमेंट, वो रॉन्ग है, करेक्ट इडियमेटिक एक्सप्रेशन है जो वो यू सेंटेंस में यूज कर सकता है, आई रीड इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। सो डियर स्टूडेंट, एक तो ये इडियमेटिक एक्सप्रेशन ऐसे लिख सकते हैं, इंग्लिश डिपार्टमेंट नहीं बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। बहुत से एग्जाम्स में और जब आप कोई किसी जॉब से रिलेटेड अगर कोई एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हों, या वैसे भी आप किसी स्कूल या कॉलेज के इंग्लिश के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हों, तो इस तरह से भी
MCQs आ सकते हैं, तो ये idiomatic phrases आपके बहुत काम आने वाले हैं। इसके अलावा ना सिर्फ लिखने में, बल्कि जब आप वैसे ही कोई किसी को लेटर लिख रहे हों, या कोई डिमॉन्स्ट्रेशन लिख रहे हों, या कोई बात लिख रहे हों, या कोई ऐसे लिख रहे हों, तो idiomatic phrases का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आता है। तो अगर ये इन रॉन्ग idiomatic expressions के साथ अगर आप कोई कॉम्पोजिशन लिखते हैं, कोई पेपर लिखते हैं, तो वो बैड इंप्रेशन देगी, आपके मार्क्स कम आएंगे। लेकिन अगर आप उन्हीं idiomatic expressions का करेक्ट यूज़ करेंगे, तो आप एक एक्सप्रेशन भी आपका अच्छा आएगा, आपके मार्क्स भी ज़्यादा आएंगे, और वो राइटिंग करेक्ट लिखी हुई होगी। और इसी तरह से अगर आप बोलते हैं और बोलने में भी आप रॉन्ग idiomatic expression यूज़ कर रहे हैं, तो जिसको इंग्लिश आती है वो तो समझ जाएगा कि आपको अभी इंग्लिश पे काम करने की ज़रूरत है। तो इसलिए इनको अच्छी तरह समझ लीजिए, अपनी डेली लाइफ की कन्वर्सेशन को इम्प्रूव कीजिए, ताकि आप भी अच्छी इंग्लिश बोलने वालों में शामिल हो सकें। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा इंग्लिश डिपार्टमेंट की बजाय आप डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश कहेंगे, ये एक करेक्ट idiomatic एक्सप्रेशन है। इसी तरह लेक्चरर ऑफ इंग्लिश नहीं, बल्कि लेक्चरर इन इंग्लिश, याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चरर इन इंग्लिश करेक्ट idiomatic एक्सप्रेशन है, ना कि लेक्चरर ऑफ इंग्लिश। फॉर एग्जांपल, आई एम सेइंग दैट, इफ आई एम सेइंग दैट लेक्चर आसिफ इज अ लेक्चरर ऑफ इंग्लिश, तो ये रॉन्ग सेंटेंस है। करेक्ट वन इज दैट आसिफ इज अ लेक्चरर इन इंग्लिश, ये एक करेक्ट idiomatic एक्सप्रेशन है। सो डियर स्टूडेंट, देखिए पासिंग मार्क्स नहीं। अच्छा, यहाँ एक बात और भी देखिए, पासिंग मार्क्स कामयाबी के नंबरात, नंबर नहीं। आप ये भी बहुत गलत उलाम है कि हम कहते हैं कामयाबी के नंबर, या हम कहते हैं इसके इतने नंबर हैं। नंबर की जो प्लूरल है, आप जमा अगर उर्दू में कहें तो नंबरात आपने लिखना है, कामयाबी के नंबरात। पासिंग मार्क्स नहीं, बल्कि पास मार्क्स। अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि इस पेपर के पासिंग मार्क्स 100 हैं, तो वो गलत कहता है, बल्कि उसे कहना चाहिए इस नंबर के पास मार्क्स 100 हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैन ऑफ लेटर ही इज, हम अगर ये बोलें ही इज अ मैन ऑफ लेटर, आर रॉन्ग सेंटेंस, इट इज अ रॉन्ग सेंटेंस। करेक्ट वन इज दैट He is a man of letters, man of letter नहीं, बल्कि man of letters। MCQs ये distractor के तौर पर इस तरह papers में आ जाते हैं, तो आपने ये देखना है कि ये man of letters है, इसमें कोई ज़्यादा difference नहीं है, letter की बजाय letters है। इसी तरह dear students देखिए, English professor, तो ये देखिए, जैसे ये भी लेक्चरर ऑफ इंग्लिश था, तो ये गलत हो गया, लेक्चरर इन इंग्लिश। लेकिन यहाँ देखिए, इंग्लिश प्रोफेसर है, तो ये बहुत काबिल गौर बात है, इंग्लिश प्रोफेसर है, तो ये आएगा प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। ये कितना इंटरेस्टिंग है, प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, जबकि यहाँ देखिए ये भी अंग्रेजी का लेक्चरार है, लेक्चरार के लिए लेक्चरर इन आएगा, याद रखिए, और प्रोफेसर के लिए प्रोफेसर ऑफ आएगा। जैसा कि यहाँ देखिए इंग्लिश डिपार्टमेंट था, सिमिलरली इंग्लिश प्रोफेसर है, जिस तरह ये डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश लिखा गया, इसी तरह ये प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश लिखा जाएगा। इसमें कन्फ्यूज़ बिल्कुल ना हो, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपेरिजन मैं आपको बता रहा हूँ idiomatic expressions में। नेक्स्ट वन देखिए, राइट विद इंक, हम कहते हैं ना प्लीज, राइट विद इंक इज रॉन्ग, करेक्ट इज प्लीज राइट इन इंक। जी हां, राइट विद इंक रॉन्ग है, बल्कि राइट इन इंक करेक्ट idiomatic expression है। सो डियर स्टूडेंट्स देखिए, है ना कितना इंटरेस्टिंग ये, और ये कितने ही हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में रॉन्ग यूज़ करते हैं, और इनके जब आप ये
समझ रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप अब ये करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वन देखिए, हम कहते हैं अप एंड डाउन, ये अप्स एंड डाउन्स करेक्ट है, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, अप एंड डाउन नहीं, अप्स एंड डाउन्स। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह फैमिली मेंबर, ये भी ये भी बहुत ज्यादा कॉमन यूज होने वाला है। फैमिली मेंबर, इफ आई से दैट शारिक इज माई फैमिली मेंबर, सो फैमिली मेंबर रॉन्ग है, बल्कि शारिक इज अ मेंबर ऑफ फैमिली, फैमिली मेंबर नहीं बल्कि मेंबर ऑफ फैमिली करेक्ट है। इसी तरह हम ये कहते हैं, जो हम कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं, आप अगर किसी इदारे में जॉब करते हैं तो वहां कहते हैं ये मेरे स्टाफ मेंबर हैं, स्टाफ मेंबर नहीं, मेंबर्स ऑफ स्टाफ होता है। अगर एक है तो मेंबर ऑफ स्टाफ, अगर बहुत सारे हैं तो मेंबर्स ऑफ स्टाफ, स्टाफ मेंबर्स रॉन्ग इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, तो आज से ये आपने दुरुस्त बोलना है। नेक्स्ट वन देखिए, टेक पेन, मेहनत करना, इट इज नॉट करेक्ट, पेन टेक पेन नहीं, टेक पेन्स, इफ यू वॉन्ट टू विन द मैच यू विल हैव टू टेक पेन्स, ठीक है, तो ये टेक पेन्स है। इसी तरह देखिए, ऑन द ट्री, जैसे मैंने बताया था द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री रॉन्ग है, करेक्ट है द बर्ड इज इन द ट्री। बर्ड इज इन द ट्री, और इसी तरह से इन द ट्री, हम अमूमन ये भी एक और गलतुल आम इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जो हम कहते हैं आई एम इन द वे। आपको अगर कोई टेलीफोन आता है और आपको पूछते हैं आप कहाँ पे हैं, या आप मैसेज लिखते हैं तो आप कहते हैं आई एम इन द वे नहीं, रास्ते में, इन द वे नहीं, ऑन द वे, आई एम ऑन द वे। सो डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये ऐसे ज़बरदस्त इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है और इंतहाई कॉमन है, जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं लेकिन हम गलत बोलते हैं बिल्कुल। सो मुझे उम्मीद है कि अब ये करेक्ट वन आप समझने के बाद इनको अब करेक्ट इंग्लिश और ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।